Hi friends, welcome back to my channel. We have started with connected motion. इसके बीच में एक lift problem भी हम लोग सीखने वाले हैं. अब lift problem चालू करने से पहले एक question. What is weight of an object? तो सबका answer. Weight of an object is not mg. और ये बात दिमाग में बिठा लो. आज तक अगर किसी ने बोला है कि weight हमेशा mg होता है तो answer wrong है. तो व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पहले सीखते वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो ये एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, इसका मास हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, तो ये इसका मास काम कर रहा है mg. लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इसका एक्शन है ये ब्लॉक का ग्राउंड पे, तो ग्राउंड एक अपोजिट फोर्स लगाएगा और वो ऑपोजिट फोर्स का डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा होगा और ये सरफेस को परपेंडिकुलर होगा. और इसके लिए इसका नाम रखा है N. N स्टैंड फॉर नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स. तो दिमाग में बिठाना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो कोई बोलेगा ना वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो बोलने का आंसर नॉर्मल रिएक्शन. तो सर यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो बैलेंस करेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन वेट अगर है तो वेट का वैल्यू mg आया है. लेकिन ये हर बार नहीं होगा. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. तो अभी ये केस में ये सरफेस इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है इसका, एंड इट इज नॉट इक्वल टू mg, क्योंकि mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करने वाला है. यहाँ पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और यहाँ पे एक आएगा mg sin थीटा. मेरा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमेशा mg cos थीटा होगा, ये डायरेक्शन mg cos theta, इसमें होगा नॉर्मल रिएक्शन mg. तो वेट इज नॉट ऑलवेज mg, ठीक है. अब यही कॉन्सेप्ट हम लिफ्ट में यूज करते हैं. लिफ्ट में जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक्सपीरियंस क्या किया है, तो लिफ्ट में जब ये हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो लिफ्ट ऊपर नीचे से पेट में कुछ होने लगता है, वो नहीं सोचना है. हम फिजिक्स के लैंग्वेज में सोचते हैं, जब ऊपर नीचे लिफ्ट जाएगा तो क्या होगा. तो एक पर्सन इन अ लिफ्ट, लिफ्ट इज मूविंग लेट्स से अप विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए. तो यहां पे मैंने बना दिया एक्सेलरेशन ए. लिफ्ट ऊपर जा रहा है, पर्सन का मास नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. अब ये केस में FBD अगर सोचते हैं, जो लास्ट लेक्चर में सिखाया मैंने, तो लास्ट लेक्चर में FBD में हमने क्या बोला, तो नेट फोर्स अगर इसका लिखना है तो इट इज ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, तो आंसर है N माइनस mg. ये नेट फोर्स जो काम कर रहा है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये mg ये साइड पे ले गए तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ जाएगा n इक्वल टू mg प्लस ma. और अगर mg प्लस ma है तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा m कॉमन g प्लस a. तो याद रखने का, लिफ्ट जब ये ऊपर जाएगा तो इसका वेट इंक्रीज होगा, जो रीडिंग दिखाएगा वेइंग मशीन वो हमेशा ज्यादा होगा as compared to normal condition. तो weight increases when lift moving upward. तो downward में क्या होगा, तो easy है logic, downward में mg ज्यादा होगा, normal कम होगा, क्योंकि lift is moving down. तो इसका equation अगर बनाएंगे तो answer आएगा mg minus a. lift is moving down, वेट डिक्रीजेज. अब ये लॉजिक मैं सिर्फ ये लेक्चर के लिए नहीं, ये टॉपिक के लिए नहीं, इनफैक्ट पूरे टॉपिक के लिए मैं ये यूज करूँगा. तो जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगा मैं लिखूंगा एम जी प्लस ए, कोई नीचे आएगा मैं लिखूंगा एम जी माइनस ए. अब है फ्री फॉल. फ्री फॉल होता क्या है, तो फ्री फॉल ऐसा समझ लो एक लिफ्ट है जो रोप से बांधा हुआ है, उससे ही चलते रहता है.
अगर किसी ने रोप कट कर दिया तो लिफ्ट नीचे आएगा, और वो जब नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी जितना, और अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी जितना हो गया, बॉडी तो नीचे आ रहा है, तो एन का वैल्यू इतना होता है, जिसमें ए के जगह जी डाल दिया तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हो जाएगा जीरो, और ये बहुत डेंजर हो गया। नॉर्मल रिएक्शन जीरो, हमने बोला नॉर्मल रिएक्शन वेट होता है, वेट जीरो हो गया। वेट जीरो हो गया का मतलब पर्सन ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। अरे तो कहा गया, फिर कहा गया, ग्राउंड पे तो नहीं है भाई। ग्राउंड पे नहीं है मतलब ये ऊपर किधर तो भी गया, और फिर ये ऊपर ही जाएगा सीधा, क्योंकि इंसान नहीं बचने वाला, ये जाएगा ऊपर, हिट करेगा और ऑन द स्पॉट डेड हो सकता है। तो जब फ्री फॉल होगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है, ये बात दिमाग में रखना, और इसको ही बोलते हैं वेटलेसनेस। दूसरा होता है स्टेशनरी और इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो या तो ऊपर या तो नीचे, किसी में भी इक्वेशन में जब एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा ओनली एमजी, तो ये सारे केसेस हो गए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करना बाकी है, कॉइन जब टॉस करेगी लिफ्ट में तो क्या इफेक्ट होगा। समझो ये कॉइन, अब इसको समझना पड़ेगा, इजी है, समझ लो। समझो लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कॉइन टॉस किया, तो जबी भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा एक मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपको एक सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ता है। सूडो फोर्स क्या होता है? इमेजिनरी फोर्स। जैसे कार में बैठ के अगर कोई कार टर्न ले रहा है तो जो डायरेक्शन में टर्न ले रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी जाएगा, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो यहां पे भी अगर मेरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, लिफ्ट नीचे जा रहा है सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। तो जब भी मोशन में ऑब्जेक्ट होगा मोशन में तो सूडो फोर्स लगता है। अब जब सूडो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, तो कॉइन का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन अगर कोई पूछता है तो आंसर है जी प्लस ए या तो जी माइनस ए, डिपेंड करता है लिफ्ट कहाँ जा रहा है, कॉइन कहाँ जा रहा है वो नहीं, कॉइन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन विल बी जी प्लस ए। लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए होगा, लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है तो जी माइनस ए होगा एक्सेलरेशन कॉइन का। फिर कोई काइनामेटिकल इक्वेशन हम लोग सोचेंगे और लगाएंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट कॉइन का जो बार बार पूछते हैं। दूसरा, ये जो पर्सन इनसाइड द लिफ्ट है, वो जब देखेगा कॉइन को तो उसके लिए कॉइन का एक्सेलरेशन जी प्लस ए या तो जी माइनस ए ही होगा, लेकिन पर्सन जो आउटसाइड द लिफ्ट है वो जब देखेगा कॉइन को तो उसके लिए कॉइन का एक्सेलरेशन जी जितना ही है, लिफ्ट किधर भी जा रहा है। पर्सन जो स्टेशनरी है, यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन इज स्टेशनरी, जो बाहर से देख रहा है चीजों को, वो पर्सन के लिए ये कॉइन का एक्सेलरेशन नीचे ऊपर कैसे भी जाने दो, एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर ही होगा। अगर ऐसा है जी के बराबर है एक्सेलरेशन, इसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विल बी इक्वल टू जी। तो अभी एक बात समझना है अपने को, जब कोई बॉडी एक्सेलरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब स्टेशनरी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम में है। ये नाम बड़े बड़े, दर्शन छोटे छोटे, ये क्या बोला सर,
ऐसे सब वर्ड्स यूज करेंगे, इनर्शियल नॉन, कुछ नहीं, सिंपल है। अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, और बॉडी अगर स्टेशनरी है और इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दैट मीन्स इट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सूडो फोर्स किस में लगता है, इनर्शियल के नॉन इनर्शियल? तो आंसर है नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन गायब, सूडो फोर्स भी गायब। तो दिस वॉज अबाउट लिफ्ट प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो एम जी प्लस है, नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस है, फ्री फॉल है, एन इक्वल टू जीरो, स्टेशनरी और मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, एन इक्वल टू एम जी, दैट्स इट। तो इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।